ये सारे लोगों के लिए देखिए एक समझने वाली बात है और उदाहरण भी है कि ये जो ध्यान हमने अभी लिया था, ये हमने बहुत ट्रायल एंड एरर, बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद हम इन निष्कर्षों पे पहुँचे हैं कि ये अल्टीमेट मेडिटेशंस में इनको हम डालते हैं। इनमें कोई गिमिक नहीं है, कोई चीज़ नहीं, द प्योर मेडिटेशन। जैसे ही हम अपने सोर्स में आएंगे, अपने स्रोत में आएंगे, ये सब चीज़ें होंगी। क्योंकि हम वही तो सजेशन में भी दे रहे थे कि शरीर से आप हट रहे हैं, एकदम से आप प्योर कॉन्शियसनेस के फॉर्म में आ गए। तो प्योर कॉन्शियसनेस के फॉर्म में फिर कुछ नहीं है, या तो हर शरीर में आपका एक्सपेंशन है या शरीर कहीं नहीं है, वो एक अलग सी स्थिति है। बट दैट इज़ मोस्ट पावरफुल सिचुएशन। एक को भी अगर ऐसा रियलाइज हुआ तो इसका मतलब सभी के लिए पॉसिबिलिटी, और औरों को भी बेशक हुआ ही होगा, और जितना भी डेप्थ में हुआ है उतना अच्छा है। और एक बार अगर आपने इस चीज़ को पकड़ लिया तो आप समझिए आपके हाथ में क्लू तो आ गया कि आप कैसे अपने सोर्स में जा सकते हैं। फिर बॉडी है नहीं है इसका उतना मायने नहीं रहता। अगेन देखिए, बहुत सारी कंडीशनिंग और बहुत सारे पैटर्न के चलते हुए जो डेस्टिनी है वो तो रहेगी, चलेगी, वो शरीर की भी अपनी डेस्टिनी चलेगी, अपनी परिस्थितियों की भी। लेकिन फिर भी जिसको ये सोर्स का अनुभव घटने लगेगा वो अपने शरीर को और मन को एक दिशा दे सकता है। तमाम तो चीज़ें हमारे अंदर केवल भ्रमवश पड़ी हुई हैं, भ्रमवश परेशानी है, भ्रमवश बीमारी है, उसको जो भी हम साइकोलॉजिकल कहें या किसी भी तरह कहें। और सोर्स तो हर चीज़ का हीलर है, हर चीज़ का वो पूरा एक क्रिएट करने की स्टेज है। तो जैसे ही आपने सोचा कि ठीक, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो अपने शुभ विचारों में, अपने क्रिएटिव जो इंटेंशन हैं, इरादे हैं, उनमें बने रहना है और फिर सब कुछ ठीक होता जाएगा। सब कुछ धीरे धीरे व्यवस्थित होगा, चाहे वो रिलेशनशिप के प्लेन हो, चाहे वो फिजिकल प्लेन हो, चाहे वो इकोनॉमिकल प्लेन हो, कुछ भी उससे अछूता नहीं है। यानी कि अगर आप सोर्स के कांटेक्ट में हैं तो आप ये मानिए कि ना तो शारीरिक तल पर कोई बड़ी उपद्रव होने वाले हैं, जो डेस्टिनी के पार्ट में, डेस्टिनी मतलब जो कंडीशनिंग आ रही है जेनेटिक और पैटर्न वाइज, कर्मा वाइज, वो तो जो होना है वो अपनी जगह पे होगा। लेकिन बाकी जितनी आउटर इंटरफेरेंस से पैदा चीज़ें वो सब ख़त्म हो जाएंगी। इकोनॉमिक सिचुएशंस भी, जैसे इनको ऐसा नहीं कि अतिशयोक्ति में लिया जाए या मैं इनको प्रमोट करूं, ऐसी बात नहीं है, वो भी बेटर हो जाती है। क्योंकि ये धन भी क्या है, यानी कि जो इसको हम धन समझते हैं वो भी लाइफ का फ्लो ही है। अगर हमारे स्रोत से हमारी कनेक्टिविटी बनी तो सब फ्लो ठीक होने लगता है। और धन एक बड़ी, देखा जाए, रिलेटिव चीज़ है, रिलेटिव, कम और ज़्यादा से मामला नहीं है। उसकी यूटिलिटी हमारे लिए कितनी बनती है बस इतना मामला है। यानी कि धन का उपयोग कर पाए हम तो धन है हमारे लिए, धन का उपयोग नहीं कर पाए हमारे पास कितना भी धन हो हमारे लिए धन नहीं है। और जब जब ज़रूरत हो हमारी चीज़ें हों, जब जब जो ज़रूरी हो वो हमारे लिए हो, तो हम बिल्कुल समृद्ध हैं, धनी हैं। और बहुत धनी हैं हम, बैंक बैलेंस बहुत है, जब जब ज़रूरत होती तब तब वो नहीं कर पाते, ना वो होता है, तो बहुत गरीबी है। तो धन भी बड़ा रिलेटिव टर्म है। और सोर्स में क्या है, एक फ़्लो आता है। इंग्लिश का टर्म इसीलिए जो मनी के लिए यूज़ करते हैं, करेंसी, तो वो करेंट से आता है, प्रवाह, फ्लो, जो करेंट है, द करेंट ऑफ रिवर, करेंट, तो करेंसी उससे आता है, तो वो भी एक फ़्लो है। तो सारी चीज़ें डे बाई डे बेहतर होंगी। भय इसलिए आया आपको होगा कि पहली बार अगर उसका साक्षात्कार हो तो भय ही आता है। पहली बार अपनी आइडेंटिटी ख़त्म होने का भय है, क्योंकि ऐसा तो आइडेंटिटी है, शरीर से आइडेंटिटी है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। और जब शरीर ही नहीं है तो ऑब्वियसली उस समय मन भी नहीं है, अनमैनिफेस्टेड सोर्स है लेकिन उसमें कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये तो बड़ा भयावह जैसा जान पड़ता है कि कोई आइडेंटिटी नहीं। लेकिन यही सिचुएशन तो डीप स्लीप में भी है। जब आप गहरी नींद में जाते हैं, सुषुप्ति में, तो भी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है। और इसीलिए डीप स्लीप भी हर किस्म की आपके लिए हीलिंग, रिजुविनेशन, सब कुछ लेके आती है। यानी कि डीप स्लीप ना हो तो इंसान ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहे। तो बहुत शुभ है, सुंदर है, और
अपने को फॉर्चुनेट समझिए, सौभाग्यशाली समझिए कि ये अनुभव घटा, क्योंकि ऐसे अनुभव तक जाने में भी लोगों के जन्मों निकल जाते हैं। और ग्रेस है एग्जिस्टेंस की, कैसा हो रहा है। गुरु जी मैं जो है उसको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, जो मैं कहना चाह रहा था कि जैसे अच्छे से बैठा था मैं और अपने पोस्चर में बैठा था जैसे मुझे बैठना था, उस समय मुझे पेन भी हो रहा था और लेकिन मुझे था कि मुझे बैठना है, दर्द था मेरे पैर में ज्यादा, तो वो दर्द धीरे 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 पता नहीं चला गया। लेकिन हाँ ये जो मेरी फीलिंग थी कि जो है भय भय था गुरु जी, भय था, मैं नहीं था। आपने कहा था कि जस्ट अवेयर, जस्ट आप देखो, आप केवल केवल अवेयरिंग मतलब देख रहे हो, होश हो आप, तो बस होश तो था लेकिन होश में भय मुझे दिखाई दे, भय मैं भयभीत, वो फीलिंग जो मुझे भय महसूस हो रहा था कि वो मैं आपसे बताना चाह रहा था, क्योंकि मैंने कभी ध्यान इस तरीके से बैठ के नहीं किया। और हालांकि घर में जैसे अम्मा की डर से पूजा वूजा करते थे, हम बैठते थे, टीका वीका लगाना ये सब करना, पारिवारिक जो पूजा होती थी करते थे, लेकिन पर्टिकुलर इस तरीके से हम बैठ के हमने जो है, मुझे नहीं याद आता कि मैंने कभी ध्यान वैसे टाइप के किया हो। तो अब आज ये जो है मैं जाऊंगा दिल्ली जाऊंगा कि फिर मुझे लग रहा मैं इस तरीके से बैठूं या जो है कि अब इसमें देखिए आप एनालिसिस मत करिए, मैंने उसका आंसर पूरा दे दिया है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, एक चीज़ पक्की बता रहा हूँ, ये एक फॉर्चुनेट मोमेंट है, एक ऐसी चीज़ हुई है जिसका धीरे धीरे रिजल्ट आएगा, बैठने का भाव आएगा तो आप रुक नहीं पाएंगे, आप बैठेंगे, और नहीं आएगा तो नहीं कर पाएंगे। आप जो है उसको एक्सेप्ट करिए, चलते रहिए और शुभ होगा, शुभ होगा। उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखिए एग्जिस्टेंस के प्रति, अस्तित्व के प्रति ग्रेटिट्यूड रखिए कि जो हुआ है बहुत शुभ हुआ है। और अपने इस बियॉन्ड स्टेट की ग्लिम्स लेना, भय तो जनरेट करता है शुरू में, लेकिन फिर वो भय के पीछे ही जो है ब्लिस भी आएगा, पीस भी आएगी, पीछे पीछे आएगी, लेकिन उसके एनालिसिस में कोई जाने की जरूरत नहीं। Thank you.